दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय शिवालिक रेडियंस पब्लिक स्कूल पंचरुखी। एक और देश कोरोना वायरस से जूझ रहा है, वहीं पंचरुखी के तहत गांव पंचायत टटहल इस दौर में भी गंदगी फैलाकर महामारी को न्योता दे रही है। यहां पंचायत फंड से लगभग 2 लाख के बजट से 5 वार्डो में डस्टबिन लगाए गए थे, पर आज तक इनमें पड़ी गंदगी को हटाने की जहमत किसी ने नहीं उठाई। आलम यह है कि यह डस्टबिन गंदगी से तो लबालब है ही, साथ ही इनके बाहर भी गंदगी के ढेर स्वच्छता अभियान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। स्वच्छता का पाठ पढ़ाने वाले खंड की इस पंचायत में गंदगी लबालब भरी पड़ी है, पर जन प्रतिनिधियों को शायद कोई परवाह नहीं है। ग्राम सुधार सभा टटहल के प्रधान सुरेश ने भी इस गंदगी पर चिंता जताई है। इसके साथ ही उन्होंने डस्टबिन खाली करवाने की मांग की है। शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी शिवालिक रेडियंस पब्लिक स्कूल पंचरुखी हर वर्ष की तरह शानदार वार्षिक परिणाम के साथ इस बार स्कूल की छात्रा अनन्या गुप्ता ने विज्ञान संकाय में प्रदेश में 8वां स्थान हासिल किया है, जबकि इसी स्कूल के 10वीं के छात्र उपरांश प्राशर ने प्रदेश की मेरिट लिस्ट में 13वां स्थान हासिल कर स्कूल व क्षेत्र का नाम रोशन किया है। विज्ञान संकाय में अक्षता ने 96% व आंचल धीमान ने 95.4% अंक प्राप्त किए हैं, जबकि विज्ञान व वाणिज्य संकाय में विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं।